Hello everyone. In this lecture, we are going to study about avyay. Rather, we are going to continue avyay, that is avyay part 2. Second part, ये आपको स्क्रीन दिखेगा मेरा. अव्यय स्टार्ट किया था और अव्यय की शुरुआत होती है शब्द से. शब्द कैसे पहचानेंगे? शब्द अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं. मतलब ऐसे अक्षरों का समूह जिनका निश्चित अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं. उदाहरण के लिए जैसे सीमा, जैसे स्कूल, राजेश, दिल्ली, ताजमहल इत्यादि. अब आते हैं शब्द भेद पे. शब्द भेद अर्थात शब्द के प्रकार दो प्रकार होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है. पहला है सव्यय, दूसरा है अव्यय. सव्यय मतलब विकारी, अव्यय मतलब अविकारी. विकारी का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है हिंदी 100 के लिए, इसलिए मैं इसे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा बाद में. अभी आज हम ज्यादा फोकस करेंगे अव्यय पार्ट पे. तो आइए हम जान लेते हैं शॉर्टकट में. यहाँ पे सव्यय के चार भेद दिए हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब. अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें आज सही तरीके से समझना है, प्लीज सब लोग नोटबुक सामने रखेंगे और जितना कहूंगा नोट करते जाएंगे. तो पहला है क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदिबोधक, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. अब स्टार्ट करते हैं. पहले सव्य दिया है, विकारी दिया है, तो विकारी शब्द से ही देख लेते हैं. जिन शब्दों में लिंग, जेंडर, वचन, नंबर, कारक, केस में परिवर्तन हो उसे सव्य कहते हैं. बहुत सिंपल करके बताया, जिन शब्दों में मतलब वाक्य है, वाक्य में जो शब्द, अगर वो शब्द जेंडर बता रहा है, नंबर बता रहा है, केस बता रहा है, कोई भी बता रहा है, अगर वो चेंज हो जा रहा है तो सव्य है, चेंज नहीं हो रहा है तो अव्यय है. जानते हैं थोड़ा डिटेल में लिंग वचन कारक के अनुसार. जैसे रमेश दौड़ता है, रमा दौड़ती है. वचन, मैं मतलब एक वचन, मैं स्कूल गया था, हम स्कूल गए थे. मैं एक वचन, हम अनेक वचन. कारक, भारत ने जीत लिया, भारत की जीत हुई. विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, मैंने अभी बताया. बहुत शॉर्टकट में मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं. मतलब कोई भी नाम आए, नाम है तो संज्ञा है. आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, नाम है तो संज्ञा है. और इसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आप वाक्य देखें, राधिका स्कूल गई है, अगर आप देख रहे हैं कि वाक्य में नाम दिया है तो नाम क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकता है. ठीक, ऐसे ही सर्वनाम है, प्रोनाउन. नाम के बदले जो आए, मतलब नाम के जगह पे जो शब्द यूज किया जाता है. ऊपर वाला सेंटेंस देखो, दिया है राधिका स्कूल गई है और नीचे दिया है वह स्कूल गई है, तो यहाँ पर राधिका के लिए वह शब्द यूज किया गया है, इसीलिए ये क्या है? सर्वनाम है. और तीसरा है क्रिया. क्रिया मतलब वह कार्य का होना जो बतलाए, मतलब कार्य के होने की जो हमें सूचना देता है वह क्रिया कहलाता है. जैसे रतन दौड़ता है, मतलब रतन दौड़ने का काम कर रहा है, इसलिए दौड़ना क्या है? क्रिया है. विशेषण, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है. अब संज्ञा सर्वनाम कहाँ आता है वाक्य में? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. तो जो भी होगा उसी के अनुसार आप पहचानोगे कि इसकी विशेषता कौन बता रहा है. जैसे सरिता नाम है, संज्ञा है. सरिता लंबी लड़की है. सरिता कैसी लड़की है? लंबी है. तो लंबी क्या है? सरिता की विशेषता है. अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अव्यय
अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक में परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अब लिंग वचन कारक के अनुसार ही देखेंगे, जैसे बेटा धीरे धीरे चलता है, बेटी धीरे धीरे चलती है और पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो बेटा बेटी पिताजी सब चेंज, चलता चलती चलते सब चेंज, बट धीरे धीरे में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो डेफिनेटली यही है अव्यय, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार भी कोई बदलाव नहीं आया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चार भाग चार भेद हैं इसके, ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये पहचानना है या तो वाक्य बनाना है, दो चीज करना है, सेंटेंस दिया है उसमें से आपको पहचानना है और या तो आपको शब्द दिया है वाक्य बनाना है, दोनों में से एक प्रकार आपको आएगा एक मार्क के लिए। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए क्रिया विशेषण से शुरुआत करते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन दिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब जो एडवर्ब दिया है नाम दिया है उसी में उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। अब कैसे, यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, बैलगाड़ी चलती है बट कैसे धीरे धीरे, चलना क्रिया है और चलने की विशेषता क्या है धीरे धीरे, क्रिया की विशेषता बता रहा है बैलगाड़ी की विशेषता नहीं बता रहा है। ओके, इसको और थोड़ा आसानी तरीके से समझते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय चार तरह से क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, मतलब हम क्रिया विशेषण को चार अलग अलग प्रकार से पहचान सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे क्रिया कब हुई, जैसे ही आप प्रश्न करोगे कब तो आपको आंसर मिलेगा टाइम। एग्जांपल, पिताजी कल चले गए, कब चले गए, कल चले गए, तो कब आपने क्वेश्चन किया तो आपको जो शब्द मिला वो डेफिनेटली क्या है, वो टाइम बता रहा है। लेकिन टाइम तो बता रहा है, जो टाइम बताता है शब्द वो क्रिया विशेषण कहलाता है। आसान हुआ, चलो दूसरे तरीके से समझते हैं, क्रिया कहाँ हुई, कार्य कहाँ हो रहा है, कहाँ पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लेस। अब प्लेस कैसे पता चलेगा, वह बाहर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, मतलब जो प्लेस बता रहा है शब्द वो शब्द है क्रिया विशेषण। तीसरा, क्रिया कैसे हुई, क्रिया कैसे हुई, मतलब जब आप कैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैनर रीति। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये तेज क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है बट बता रहा है मैनर। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, आप एक चीज ध्यान रखो, जो शब्द टाइम बता रहा हो या कोई शब्द प्लेस बता रहा है या मैनर बता रहा है तो तीनों में से कोई भी बताएगा तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ऐसे अंतिम है, क्रिया कितनी हुई या कितना हुआ, कितनी मतलब परिमाण या क्वांटिटी, क्वांटिटी बताता है। जैसे बच्चा बहुत रोया, कितना रोया, बहुत रोया, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है जो शब्द वह भी क्रिया विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं क्रिया विशेषण में जो टाइम को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, मैनर को बताते हैं और क्वांटिटी को बताते हैं। अब यहां से ना थोड़ा दो दो शब्द तो कम से कम चारों पार्ट के लिखना, टाइम प्लेस मैनर क्वांटिटी के। ओके, तो प्लीज कैमरे में देखना बंद करो और लिखना स्टार्ट करो। क्रिया विशेषण में लिखेंगे टाइम में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आज, कल, परसों, बस दो तीन शब्द लिख लो आप, इतना बहुत है। तीसरा है, दूसरा है क्रिया कहां हुई, मतलब प्लेस बता रहा है, जैसे कहां हुई,
यहां हुई, कहां वहां, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर इधर उधर। ये शब्द आप अगर लिख के रखोगे तो शायद आपको बिना पढ़े ही समझ में आ सकता है कि ये शब्द कहां पे पूछा जाता है, टाइम में कि प्लेस में, मैनर में या क्वांटिटी में। तीसरा, क्रिया कैसे हुई, मतलब मैनर बता रहा है, जैसे क्रिया कैसे हुई, धीरे धीरे हुई, कैसे हुई, हौले हौले हुई, कैसे हुई, बार बार हुई, कैसे हुई, पीछे पीछे, अभी अभी, कभी कभी, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और अंतिम है क्रिया कितनी हुई, परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, जैसे बहुत हुई, जैसे बिल्कुल हुई, जैसे लगभग हुई, जैसे इतना या इतनी हुई। ये सभी शब्द अगर आप बार बार पढ़ भी लेंगे तब भी आपको याद रहेगा कि टाइम प्लेस मैनर क्वांटिटी बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं, और अगर इनमें से एक भी शब्द आया तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब काम की बात, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और आपको कैसे लिखना है, तो प्लीज इस पे जरूर ध्यान देना। आपको एक शब्द दिया रहेगा और एक एक्स्ट्रा दिया रहेगा शब्द, दोनों में से एक लिखना है आपको। अब उसका वाक्य प्रयोग आपको करना है इस तरह से, तुरंत बच्चे तुरंत चले गए, कब चले गए, तुरंत, टाइम बता रहा है, अंदर, रमा अंदर सो रही है, कहां सो रही है, अंदर, धीरे धीरे, किरण धीरे धीरे चलने लगा, कैसे, धीरे धीरे, मैनर बता रहा है, बहुत, भक्त ने बहुत खोजा मगर भगवान नहीं मिले, कितना खोजा से? अगर मुझे पता है कि के बाद आएगा बिना, और ये बिना ही समझ सूचक है, हम बिना हटा के देखते हैं क्या यहाँ पे वाक्य का मीनिंग निकलता है, धन के कोई नहीं पूछता, मीनिंग नहीं निकल रहा है, इससे भी पता चलता है कि बिना ही संबंध सूचक अव्यय है। गर्मी के कारण बुरा हाल है, गर्मी के बुरा हाल है मतलब कारण डेफिनेटली संबंध सूचक है। कुएं के अंदर शेर दिखा, कुएं के शेर दिखा, समझ में नहीं आया कि कुआं दिखा कि शेर दिखा, इसीलिए अंदर क्या है वो संबंध सूचक है। मुझसे पहले तुम आ जाओ से पहले, बाहर शब्द दिया है, वाक्य प्रयोग करना है, घर के बाहर उपवन है, सिवा तुम्हारे सिवा यह काम और कौन करेगा, कारण बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है। ऐसे कुछ शब्द दिए जाएंगे जो आपको एग्जाम के पहले अभ्यास भी करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है आपको। भोजन के पहले हाथ मुंह धोना चाहिए, भोजन के पहले अगर पहले हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, भोजन के हाथ मुंह धोना चाहिए मीनिंग गलत हुआ, इसीलिए पहले शब्द का प्रयोग करना है और आपको वहां पे हाईलाइट करना है के पहले या पहले। ओके, आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शन पे। कंजंक्शन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आसानी से समझ में भी आ जाता है। कैसे समझते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में ही इसका प्रयोग होता है, इस तरह से तुम पढ़ाई करो अथवा खेलने जाओ। यहाँ पे देखो दिया गया अथवा, तुम पढ़ाई करो एक वाक्य है, खेलने जाओ दूसरा वाक्य है, दोनों के बीच में आया अथवा। टोकरी में फल और सब्जियां हैं, टोकरी में फल, फल एक शब्द है, सब्जियां एक शब्द है, और दोनों शब्दों को जोड़ने वाला है कंजंक्शन, मतलब यही है समुच्चय बोधक। और मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय, दो शब्दों को भी जोड़ता है और दो वाक्यों को। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा है जो दो शब्द को जोड़ता है और कौन सा है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज इसका बार बार लिख के प्रयोग करो। मैं आपको आगे इसका और भी उदाहरण दूंगा, जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करोगे, वह पाठशाला आया परंतु पुस्तकें नहीं लाया,
तो आप सोचो कि ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो कंजंक्शन में आते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे और, तथा, अथवा, एवं, या, एंड और। मैंने इंग्लिश में भी इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आए कि ऐसे कंजंक्शन आते हैं। अभी ये क्या करते हैं, ये ज्यादा करके शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, अब वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अगर, मगर, यदि, तो, अगर, तो, इफ देन, किंतु, परंतु, लेकिन, बट, अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी, अदरवाइज और एल्स, ऐसे भी आते हैं कि दैट, ये बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट की और सेकंड की मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं कि कहाँ पे फर्स्ट की यूज करना है और कहाँ पे सेकंड की यूज करना है। तो आप याद रखो अभी कि फर्स्ट की हमेशा कंजंक्शन में आता है और सेकेंड की नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, इस चीज को नोट करके रखो। यद्यपि, तथापि, इवन दोज देन, ये भी पहला एक वाक्य के शुरुआत में आएगा और एक एक वाक्य के बीच में आएगा। इस तरह से दो कंजंक्शन आते हैं वाक्यों के बीच में। आइए इनका भी वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है क्योंकि, बिकॉज, वह इमारत गिर गई क्योंकि उसकी नींव कमजोर थी। लेकिन, बट, भगवान ने तुम्हें भी बुद्धि दी है लेकिन तुम इसका उपयोग नहीं करते। आप देख रहे हैं ना, वाक्यों के बीच में दिया है क्योंकि, लेकिन, और से आपको पता होना चाहिए कि ये शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वन गए, वन मतलब जंगल, दोनों जंगल में गए। और उसके बाद आएगा बल्कि, बट ऑल्सो, कैसे, बच्चे केवल खेलते ही नहीं बल्कि पढ़ते भी हैं। तो आप देखो, एक बहुत पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, बच्चे केवल खेलते नहीं, एक सेंटेंस पढ़ते भी हैं, दूसरा, दोनों के बीच में आया बल्कि, कंजंक्शन आ रहा है। अब हम अंतिम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे भी पहचानना बहुत आसान होता है स्टूडेंट, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा आश्चर्य, दुख, सुख, नफरत आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हम इसको और भी तरीके से समझा सकते हैं, जैसे दुख, दर्द, घृणा, घृणा मीन्स हेट, छी, दुख, दर्द, घृणा, क्रोध, कभी खुशी, कभी गम, ऐसे भी आप समझ सकते हो। मतलब ये सब जो फीलिंग्स हैं वो सब आती हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शाबाश, आपने तो मैच जीत लिया। अब आप देखो कि शाबाश ये वाक्य की शुरुआत में आया है, मतलब विस्मयादि बोधक की एक पहचान ये वाक्य की शुरुआत में ही आता है। दूसरी पहचान, उसके बगल में लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब एक चीज और क्लियर हुआ कि विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है और उसके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, या कभी कभी हम देखते हैं कि कॉमा भी दिया रहता है। देखते हैं कैसे और पहचान सकते हैं। छी, तुम कितने गंदे हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि यह अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आता है, तथा इस अव्यय के बाद या तो कॉमा होता है या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग फीलिंग्स बताते हैं, कोई अच्छी बताते हैं, कोई बुरी बताती है, कोई सरप्राइज करने वाला, कोई विस्मय करने वाला। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, शाबाश, छी, भला, हाय, आ,
ओ उफ आहा अरे अरी अजी हे भगवान भाई सच वाह ओहो। आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे अरे और अरी दिया है, तो अरे शब्द जो है वह मेल मेल के लिए यूज करते हैं और अरी शब्द जो है वो फीमेल फीमेल के लिए यूज करते हैं। अभी आज के टाइम पे सब अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन जो सही है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया और मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसे ही जगह पे यूज होते हैं। तो अरी शब्द का प्रयोग प्लीज लड़के के लिए ना करें, बॉयज के लिए ना करें। आइए और आगे समझते हैं थोड़ा सा विस्मयादी बोधक अव्यय के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है, अरे आप आ गए, यहाँ पे देखो एक सरप्राइज करने वाली बात है, अरे अब शाबाश तुमने प्रथम स्थान पाया, शाबाश, छी तुम झूठ बोलते हो, हाय मैं मर गया। यहाँ पे ये खुशी और प्यार वाली बात है। और भी है, भगवान हे भगवान हे भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, यहाँ पे देखो एक दिल के दर्द की बात है, हाँ मैं जरूर आऊंगी वाक्य है, हाँ आहा कितना सुहावना मौसम है। आप देख रहे ना, कहने के तरीके से आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग किया है, आहा कितना सुहावना मौसम है, उफ मैं तो तुमसे तंग आ गई। ऐसे शब्द जब आते हैं तो आप उनके बाद या तो कॉमा या तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अव्यय समझ में आया होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैं चाहूंगा कि आप घर पे बैठ के इनका लिखने का और बार बार नए नए वाक्य बनाने का अभ्यास जरूर करेंगे। धन्यवाद।